उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव यहाँ पर सर पर है। जो कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रचार के लिए आते हैं, प्रसार के लिए आते हैं, लेकिन मिनल अपार्टमेंट के आप देख सकते हैं किस तरह से एक नोटा का बैनर लगा रखा है, जिसमें साफ तौर पे यहाँ के लोग कहना चाहते हैं कि कोई भी मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता उनके पास सीधे तौर पर वोट की अपील करने ना आए, क्योंकि जो बदहाली है, जो कि रोडों की गंदगी है, रोड पर गंदगी फैलती है, जो पानी की स्थिति है, जो साफ नहीं आता है पानी, उसको लेकर कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये इनसे जानते हैं कि आखिर मुख्य वजह क्या है। सर, आपका नाम? अच्छा, ये आखिर जो आपने मिनल अपार्टमेंट के बाहर ये जो नोटा का ये बैनर लगा रखा है, ये मुख्य वजह क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं? रोड के देखिए क्या हाल है, सीवर का पानी भर जाता है, बारिश का पानी भर करके यहाँ तक आ जाता है, आने जाने में पब्लिक को भी असुविधा होता है, बहुत परेशानी होता है। जो कि ये आपने मिनल अपार्टमेंट के बाहर ये जो नोटा का जो बैनर लगा रखा है, आप बताना चाहेंगे कि इसकी मुख्य वजह क्या है? भैया, एक तो सारा 10 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, पूरा पानी भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, जिसलिए कंप्लेंट लगाई थी वहाँ तो काम हुआ नहीं, उस साइड काम शुरू हो गया इसलिए। ओके, तो ये साफ तौर पे आपने लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता कोई बिना इजाजत के घुसेगा नहीं, कोई प्रचार के लिए घुसेगा, तो आप मतलब आपने नोटा को ही क्यों चुना? भैया, ये तो हस्बैंड ही बताएंगे। अच्छा, तो ये सभी की सहमति से ये लगा है यहाँ पर? सबकी सहमति। आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो इस बार की सरकार, अगर कोई सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, लेने तो आ जाते हैं वो लोग, काम कुछ करते नहीं है। हाँ, मतलब अक्सर लोगों का ये दर्द होता है कि वोट मांगने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं वोट के लिए, लेकिन जब बारी आती है तो अंधेरे में रहते हैं। बस जब जीत जाते हैं तब अकल कुछ नहीं, शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी, कुछ नहीं। अगर आप इस बार की सरकार चुनती हैं, अगर आप चाहती हैं कोई कार्यकर्ता आपके पास है, अच्छे अच्छे वादे करें, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वादे करते हैं, वादे करते हैं वो, तो आप अपनी तरफ से कोई कुछ? मैंने तो अपनी लिखवा दिया, कोई यहाँ से वोट नहीं जाएगी इस एरिया से, कुछ नहीं है, वो अंदर नहीं घुसेंगे। देखिए, मतदान का अधिकार जो है वो सबके पास है, चाहे वो नोटा का है, किसी का। काम तो करो। हमारे साथ यहाँ एक और महिला साथी जुड़ चुकी है। ये जो नोटा का लगा रखा है, जो मतदान सर पर है, प्रचार अभी चल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे आप, खुशी देख लो क्या फैसिलिटी है यहाँ पे। 6 साल से मूर्ख बना रहे हैं हमारा, हर इलेक्शन में कहते हैं आपकी रोड बनेगी, पानी मिलेगा, सीवर की प्रॉब्लम, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मगर कोई सुनवाई नहीं। आप जब पानी भरते ना तब आके देखा करो यहाँ पे क्या हाल होता है। बच्चे बाहर नहीं जा सकते, साइकिल से जाते होंगे, बड़े बुड्ढे गिर जाते हैं, क्या करेंगे बताओ आप, क्या फैसिलिटी है? इस बार आपने कुछ सोचा है कि कुछ? नहीं, वोट नहीं देंगे हम किसी भी सदस्य, कोई भी दल होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, किसी को किसी को वोट नहीं देंगे। सारी सोसाइटी वो है इसमें। तो ये सिर्फ आपकी सोसाइटी में है या कहीं पूरी? सब आस पास जितने भी सब सामने भी, ये मुख्य तौर पर आपके पास ही लग रखा है नोटा का, लेकिन मतलब तो ये देखने वाली बात थी कि पूर्ण रूप से जो मिनल अपार्टमेंट है उसके जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने अपने सोसाइटी के बाहर एक बैनर, नोटा का बैनर लगा दिया है। उसके आसपास इन्होंने ये कहा है कि ये शुरुआत मिनल ने की है, लेकिन आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से देखा जाए तो अपने आसपास के नोटा का लगाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी दिक्कत का सामना होने वाला है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से वोट आएंगे, अब पूर्ण रूप से यहाँ से वोट खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे लोगों ने यह चेता दिया है कि यहाँ से अब कोई भी वोट नहीं जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि कार्यकर्ता किस तरह से अपनी मेहनत करेंगे और किस तरह से यहाँ पर आके लोगों की मुसीबतों का सामना करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ प्रवीण रावत, नेशन टाइम, गाजियाबाद।